नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ नजमुद्दीन शेख। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया है। जी हां, आपको बता दें, शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में लंबा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने व्यापार व्यवसाय प्रभावित न हो इसको लेकर उच्च अधिकारियों से बैठक की और बैठक के बाद मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया है। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता, लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को थोड़ा ब्रेक करने के लिए हमने शुक्रवार की शाम से शनिवार इतवार शहरी क्षेत्रों में और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक आज तय किया है कि हम बंद रखेंगे, ताकि संक्रमण की चैन को, उसमें कोई इंडस्ट्री आप बंद रखें 24 घंटे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं वो हम रखेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को मैंने कहा है कि अपने अपने नगर की समीक्षा करके वहां कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है उनकी चर्चा करें। कई जगह देश में लंबा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मेरी भरसक कोशिश होगी कि लंबा लॉकडाउन ना लगाएं, अत्यंत आवश्यक हो जाने पर ही उस कदम को उठाएं, ताकि उद्योग भी चलते रहें, बिजनेस व्यापार भी चलते रहें, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप सब सहयोग करें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ा के 1 लाख करने का हमने फैसला किया है, डॉक्टर सीमित है आप जानते हैं, और इसलिए व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है, लेकिन वो कोशिश हम भरसक कर रहे हैं। आपसे सबसे अपील है कि इन परिस्थितियों में सुरक्षित उद्योग चला के आप अपने कर्मचारियों को भी अवेयर करके आप खुद बीमार मत होना, सबसे पहली चीज, परिवार को मत होने देना। तो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सहयोग आपने किया है, और वो तभी होगा जब आप सुरक्षित दूरी और बाकी चीजों का पालन करेंगे।